इंग्लिश में डाउट दोस्तों, तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश, मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 12। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट, तो यहां एक पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और बताना है कौन सी चॉइस सही होगी, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 12। तो इसमें हम कुछ ऐसे नाउंस लेंगे जिनके बाद सिंगुलर वर्ब यानी इज, वॉज, हैज, डज और प्लूरल वर्ब यानी आर, वर, हैव, डू, ये दोनों वर्ब्स आती हैं। तो ये कौन से नाउंस हैं? सबसे पहली कैटेगरी आ रही है कुछ सब्जेक्ट्स की जिनके बाद ICS लगता है, जैसे मैथमेटिक्स गणित सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स अंक शास्त्र कह दें इसे, और पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो ये सब्जेक्ट्स के नाम है। तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर यही ICS वाले सब्जेक्ट्स कोई और सेंस में इस्तेमाल होते हो, जैसे मैथमेटिक्स गणितीय योग्यता, कैलकुलेशन स्किल्स हो किसी की, स्टैटिस्टिक्स आंकड़े हो, पॉलिटिक्स राजनीति हो और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था हो, तो फिर इनके बाद आती है प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखें, मैथमेटिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो यहां सब्जेक्ट हो गया, लेकिन माई मैथमेटिक्स आर रियली पुअर, तो मेरी कैलकुलेशन स्किल्स है जो गणितीय योग्यता वो बहुत कमजोर है। स्टैटिस्टिक्स वॉज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द कोर्स और द स्टैटिस्टिक्स ऑफ COVID-19 वर शॉकिंग लास्ट ईयर, पॉलिटिक्स नेवर इंटरेस्ट मी, तो कभी मुझे इंटरेस्टिंग लगता नहीं है पॉलिटिक्स एनी सब्जेक्ट, लेकिन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैव बीन गेटिंग वर्स, यानी भारत की राजनीति वो खराब होती जा रही है। इकोनॉमिक्स सीम्स ईजी टू मी, अब सब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन द इकोनॉमिक्स शो गुड रिजल्ट, तो यहां अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग ढंग से काम करते हैं, शब्द वही है लेकिन वर्ब्स दोनों आती है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, पर उनके अर्थ बदल जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कुछ नाम है एनिमल्स के, तो उनमें दोनों वर्ब्स आती हैं सिंगुलर और प्लूरल, जैसे स्वाइन सुअर है, डियर हिरन, शीप भेड़, तो जैसे एग्जाम्पल अ स्वाइन वॉज सीन देयर, अ स्वाइन है तो वॉज आ गया, और मैनी स्वाइन वर सीन देयर, तो स्वाइन ही रहेगा, स्वाइन में एस नहीं लगेगा। अ डियर इज अ टिमिड एनिमल, एक डरपोक एनिमल है। डियर आर ऑफन सीन इन दिस एरिया, तो अब डियर बहुत सारे हैं। वन शीप इज मिसिंग और थ्री शीप आर मिसिंग, शीप ही रहा एस नहीं लगा, तो स्वाइन डियर शीप, ये शब्द ऐसे ही रहेंगे, एस नहीं आता लेकिन वर्ब दोनों आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कुछ नाम है फिश के, मछलियों के, जिनके बाद दोनों वर्ब्स आती हैं, जैसे कॉड ट्राउट और सैमन, तो जैसे वन कॉड हैज बीन कॉट और कॉट प्रोवाइड वेरी यूजफुल ऑयल, इज ट्राउट कंसिडर्ड अ वाइट फिश और हाउ मेनी ट्राउट वर रिक्वायर्ड, अ सैमन इज कंसिडर्ड टू हैव अ हाई प्रोटीन एज अ फ्यू सैमन वर कुक्ड फॉर द पार्टी, तो इनके बाद भी एस नहीं आता लेकिन वर्ब दोनों आती हैं इसी तरह से।
नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे नाउन की, कुछ ऐसे नाउन जो एस में खत्म होते हैं लेकिन वर्ब दोनों आती हैं, जैसे सीरीज, अब सीरीजेस नहीं होता, तो अ क्राइम सीरीज इज बीइंग टेलीकास्ट दीज डेज, और थ्री क्राइम सीरीज आर बीइंग टेलीकास्ट ऑन डिफरेंट चैनल्स, तो सीरीज ही रहा, उसमें एक और एस नहीं लगा। स्पीशीज, ये प्रजाति होती है किसी पशु की, दिस स्पीशीज इज इनडेंजर्ड, तो ये प्रजाति खतरे में है। फाइव स्पीशीज ऑफ दीज बर्ड्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड हियर, यहां देखे गए हैं पांच प्रजातियां। इनिंग्स होता पारी, जो क्रिकेट मैच में पारी होती है। द फर्स्ट इनिंग्स हैज शोन द साइंस ऑफ विक्ट्री, और बोथ द इनिंग्स हैव डिसअपॉइंटेड द स्पेक्टेटर्स। क्रॉसरोड्स, चौराहा होता है, तो इसमें दोनों वर्ब्स आती हैं, दिस क्रॉसरोड्स नीड्स टू बी रिपेयर्ड एट वंस, और दीज क्रॉसरोड्स नीड ट्रैफिक लाइट्स टू अवर्ट एक्सीडेंट्स। बैरक्स, जहां पर आर्मी जो ट्रूप होते हैं, सिपाही ठहरते हैं, देयर लाइज एन आर्मी बैरक्स ऑन द वे, और टू बैरक्स ऑफ द ट्रूप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो बैरक्स रहा। हेडक्वार्टर्स, ये हमेशा एस लेता है पर वर्ब दोनों आती हैं, और कंपनीज हेडक्वार्टर्स इज आर सिचुएटेड इन द कैपिटल, दोनों आ सकते हैं इज भी आर भी। द हेडक्वार्टर्स हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट येट, अब हेडक्वार्टर्स में रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बात हो रही है। प्रेसी, तो प्रेसी राइटिंग आता है एग्जाम में, आता है रिटन एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, किसी पैसेज को छोटा करके 1/3 लिखना होता है, इसका मतलब समरी लिखना। अ प्रेसी वॉज गिवन इन द रिटन टेस्ट, और थ्री प्रेसी वर गिवन इन द रिटन टेस्ट, तो इस तरह से प्रेसी ही रहेगा, इसमें एक और एस नहीं लगता। तो ये कुछ नाउन्स थे जिनमें एस लगता है और एक और एस नहीं लगता, लेकिन वर्ब दोनों आती है, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। नेक्स्ट कैटेगरी है कुछ नाउन जो लगते सिंगुलर हैं लेकिन वर्ब दोनों आती हैं, जैसे इश्यू, इसका अर्थ होता है संतान। वन ऑफ हर इश्यू हैज बीन ब्रॉट अप बाय ग्रैंडफादर, और टू ऑफ हर इश्यू हैव बीन ब्रॉट अप बाय ग्रैंडफादर। ऑफस्प्रिंग, ये भी संतान होता है। वन ऑफ हिज टीनेज ऑफस्प्रिंग लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस, और टू ऑफ हिज यंग ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा हैं दो बच्चे। एयरक्राफ्ट, अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज फ्लोन ओवर द सिटी, और अ फ्यू फाइटर एयरक्राफ्ट आर परफॉर्मिंग डॉन्टिंग फीट्स, तो बड़े खतरों से भरे हुए वो खेल खेल रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट, एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट हैज बीन सेंट टू स्पेस, How many spacecraft have been sent to the moon? तो spacecraft ही रहा, इसमें S नहीं लगा। Hovercraft, तो ये भी होता है hovercraft, घूमने वाला पानी के ऊपर, surface के ऊपर। A hovercraft has been hired by them. A couple of hovercraft have been hired by them. तो इस तरह से इनके बाद भी S नहीं आता, पर verb दोनों आती हैं। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है कुछ कलेक्टिव नाउन्स की, जिनके बाद दोनों वर्ब्स आती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे ज्यूरी, अगर मिलकर एक फैसला ले, 10 जजेस की ज्यूरी होती है, मिलकर एक फैसला ले, एक यूनिट हो जाए, तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है, कब दिया है, जब 10 के 10 जजेस की राय एक होगी। लेकिन 10 जजेस आपस में बढ़ जाए, उनकी राय ना हो, एक ना मिले, तो उस केस में जूरी बढ़ जाती है, तो प्लूरल वर्ब आता है। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक, कमेटी भी ऐसी काम करेगी। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, लेकिन द कमेटी हैव नॉट बीन एबल टू रीच एनी कंक्लूजन।
तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कमेटी, इसका मतलब उसके जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फैमिली, देखिए अ फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। तो फैमिली किसी की पर्सनल फैमिली नहीं है, जस्ट फैमिली की बात हो रही है, लेकिन माई फैमिली आर कॉन्फ्लिक्टिंग ओवर पेटी इश्यू। एक छोटी सी बात पर मेरी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो लड़ रहे हैं। तो आर आ जाएगा। टीम, द टीम हैज वन एवरीवन्स प्रेज। तो टीम ने मिलकर काम किया, सबकी तारीफ ली, लेकिन द टीम आर क्वारलिंग लाइक फूल्स। तो टीम के जो प्लेयर्स हैं वो पागल की तरह लड़ रहे हैं। तो उस केस में आर आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ नाउंस हैं जो दोनों तरह की वर्ब्स लेते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।